हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है और यहाँ पे अभी अभी बारिश हुई है और काफ़ी ज़ोरों की बारिश हुई है। बस मैं नहा के आ चुकी हूँ कपड़े सुखाने के लिए, लेकिन बादल अभी भी बहुत ज़्यादा हैं और अभी जो है बरसने का मौसम दिख रहा है कि अभी बारिश होने ही वाली है, लेकिन फिर भी मैंने कपड़े यहाँ पे डाल दिए हैं तो हवा लगेगी तो ये आराम से सूख जाएंगे। और यहाँ पे मैं आई हूँ, पानी इतनी ज़ोरों से बारिश हुई लेकिन फिर भी पौधे, ये देख सकते हैं आप लोग, अभी इतना ज़्यादा पानी इनमें नहीं है, फिर भी है लेकिन इनकी गुड़ाई करने वाली है, इसकी वजह से पौधे काफ़ी ज़्यादा सूखे सूखे लग रहे हैं। वैसे तो बारिश हुई लेकिन हवा इस तरफ की चल रही थी तो इसकी वजह से बारिश इतनी ज़्यादा पौधों में पानी नहीं गया था। और बस मैं नीचे आ चुकी हूँ, यहाँ पे बाल मैं सुलझा रही हूँ। वैसे बाल मैं बाहर ही सुलझाती हूँ क्योंकि बाल जैसे घर में गिर जाते हैं तो खाना पीना में गिरने का डर रहता है, इसकी वजह से मैं बाहर ही सुलझा लेती हूँ। बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बारिश के साथ साथ सब्ज़ी भी आ चुकी है, क्योंकि जब ये सब्ज़ी लेने गए थे हस्बैंड हमारे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मार्केट में ही बारिश होने लगी थी तो सारी सब्ज़ी गीली हो गई है। और बारिश के मौसम में सब्ज़ी जो है गीली ही हो जाती है, ये नहीं पता चलता कि कब बारिश हो जाए। तो ये देख सकते हैं आलू भी गीले हैं और सारी सब्ज़ी गीली है, बस इसको मैं निकाल लेती हूँ। मिर्च तो बहुत ज़्यादा गीली है और मिर्च जब गीली हो जाती है तो बहुत ज़्यादा ख़राब होने का, बहुत जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, तो इसकी वजह से जो मिर्च होती है उसको मैं नहीं धुलती हूँ क्योंकि उसके अंदर पानी चला जाता है तो बहुत जल्दी गीली हो जाती है। वैसे भी ये बनाते समय धुली जाती है तो मैं बनाते समय ही धुल लेती हूँ, और जो बाकी की सब्ज़ी है वो मैं धुल लेती हूँ। अदरक गहरा है, इसको मैं धुल के रख दूँगी। और तो फ्रेंड्स, सारी सब्जी मैंने धुल के रख दी थी और यहाँ पे जो पालक है इसको साफ करना पड़ेगा तब मैं धुलूंगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी। तो दाल पालक बनाएंगे क्योंकि सारी सब्जी ख़राब होने के बहुत जल्दी चांस होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बारिश अभी भी नहीं रुकी हुई है, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। और जहाँ पे हम लोग खाना बना रहे हैं, चूल्हे में खाना बना रहे हैं, तो वहाँ पे पानी जाने का डर रहता है। तो ये देखिए, इधर की तरफ हवा चल रही है तो पानी बस अंदर की तरफ आ रहा है, तो बस और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बस पालक हमारी थोड़ी थोड़ी सूख गई है, मैंने धुल के पहले से रख दिया है और इसको हम लोग कट कर लेंगे। और यहाँ पे अन्नू भी पालक को ऐसे ही उठा उठा के देने लगी है, तो हमें लगा कि हमने इससे कहा कि नीचे मत गिराओ, नहीं फिर से धुलनी पड़ेगी और अपने बाल जाके सुलझा ले, नहीं तो एक भी बाल जो है पालक में गिर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि खाने में बाल जब गिर जाते हैं ना बिल्कुल खाने में भी अच्छा नहीं लगता और खाना जो है ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से मैं उसे यही कह रही थी कि बाल अपने सुलझा ले और पालक को हम लोग साफ कर लेंगे। बस यहाँ पे मैं जो है दाल पालक बना रही हूँ और ये गांव के तरीके से पालक मैं बना रही हूँ, क्योंकि पहले हम लोग गांव में जब रहते थे बस इसी तरीके के पालक बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और ऐसे क्या होता है कि ये बिल्कुल सिंपल वाली पालक है जैसे कि गांव के तरीके बनती है, बस वही पालक है। और दाल मैंने पहले से रख दी थी, तो दाल जब हमारी पक गई है, काफ़ी ज़्यादा दाल पक गई है, तब मैंने इसमें पालक डाल दिया है, क्योंकि हरी सब्ज़ी है इसको पहले से डाल दो तो बहुत ज़्यादा गल जाती है, फिर उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती है, इसकी वजह से मैंने पालक बाद में डाली हुई है। और यहाँ पे बहुत सारा लहसुन मैंने छील लिया है और हमारी सिस्टर भी हैं जो हेल्प करा रही हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आटा जो है मैंने घोल के इसको ऐसे ही इसमें डाल दिया है। बस ये देखिए कितनी अच्छी पालक बनके हमारी रेडी हो गई है, ये दाल पालक है। एक तरफ मैंने बड़े वाले चम्मच में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तो ये इतना गर्म हो गया है तो तब मैंने इसमें जीरा ऐड किया हुआ है, क्योंकि ऐसे जब पालक बनाओ तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जीरा, हींग और लहसुन से बस मैं तड़का लगाऊंगी। और यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल वाली पालक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बिल्कुल गांव के तरीके की पालक है। लहसुन हमारा अच्छे से पक गया है, मैंने इसमें तड़का लगा दिया है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी ये पालक लगती है खाने में। फिर खाना पीना हम लोगों का हो गया है और यहाँ पे जो रसगुल्ले की जो चाशनी होती है वही बच गई थी, तो हमें लगा चलो मैं
इसका कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाशनी रख दी है, तो ये अपना होती रहेगी। और इसका इसके जो है हम लोग बनाएंगे मिठाई। तो ये देखिए चाशनी हमारी पूरी तरीके से हो गई है। थोड़ा सा खोया था तो बस उसको मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे मिठाई, क्योंकि इसको अभी जो है काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मिठाई के इसके पेड़े बनाने हैं। तो हम लोग इसके जो है पेड़े बनाने जा रहे हैं। तो ये चाशनी भी हमारी अच्छे से हो जाएगी, ख़राब भी नहीं होगी। तो इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे, तब जाके इसके पेड़े बनेंगे। और काफ़ी ज़्यादा इसको एक दूसरे में मिलाना है और काफ़ी मेहनत भी लगती है, बस ऐसे ही करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और मैं मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।